बंगाल पुलिस के उदासीनता की भेंट चढ़े एसएचओ अश्विनी कुमार। वारदात का वीडियो आया सामने, बचाई जा सकती थी जान। मौके पर पहुंचे पुलिस ने समय से नहीं पहुंचाया अस्पताल। शहीद अश्विनी कुमार की बेटी की सरकार से गुहार, न्याय की मांग कर रहे परिजन। मौके से भागने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दुमका में गंदा पानी पीने को मजबूर लोग, प्रशासन नहीं दे रहे इस ओर ध्यान। ग्रामीणों को नहीं मिल रही सरकारी सुविधाएं। और देश में बेलगाम होती कोरोना की रफ्तार, कुल मामले 1,33,58,000 के पार। कोरोना से 1,29,305 की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। किशनगंज एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या मामले में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि जब अन्य पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो थाना अध्यक्ष गंभीर हालत में जमीन पर पड़े थे। अगर उनका वक्त पर इलाज किया जाता तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन बंगाल पुलिस की उदासीनता की वजह से उनकी जान चली गई। और जिस व्यक्ति की बाइक चोरी हुई थी उसे ग्रामीणों ने बंधक बना लिया, और इस वीडियो के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसएचओ की हत्या या साजिश का शिकार हुए अश्विनी कुमार। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता करीम खान फोन लाइन पर मौजूद है। करीम, जानना चाहेंगे ये नया वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि अगर बंगाल पुलिस चाहती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन बंगाल पुलिस की उदासीनता की भेंट चढ़े हैं या एसएचओ? जी बिल्कुल, देखिए इसमें बंगाल पुलिस की जो कार्यशैली है, अक्सर ये देखा जाता है कि यहाँ होता ये है कि बंगाल से बिल्कुल सटा हुआ किशनगंज जिला है और जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं बिहार में अपराध करके बंगाल में छुप जाया करते हैं और बंगाल में अपराध करके नेपाल में छुप जाया करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी बिहार पुलिस बंगाल पुलिस की मदद मांगती है तो बंगाल पुलिस सहयोग करने से कतराती है, जिसका नतीजा है कि जब बिहार पुलिस वहां अपराधियों का जब मोटरसाइकिल छीनतई हुई उसके बाद उसे उसका पीछा करते हुए चोरों का पीछा करते हुए वो बंगाल में प्रवेश कर गए। और एसएचओ को जो बंगाल एसएचओ है उनको फोन किया, तब वो ये कहे कि भाई आप जाओ, इलेक्शन का समय है, हम नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में जो हमारे जाबाज जो दरोगा थे अश्विनी कुमार वो वहां पहुंच जाते हैं, पुलिस फोर्स इनके साथ में रहती है और वो डायरेक्ट वो उस गांव में पहुंच जाते हैं। तो गांव वाले उनको एकत्रित होकर के वो इकट्ठा होकर के और इन पर हमला बोल देते हैं। ये साफ देखा जा सकता है कि बिहार पुलिस को कभी भी बंगाल पुलिस मदद नहीं करती है, जिसका नतीजा है कि एक जो जावाज एसएचओ है बिहार के उनकी हत्या कर दी जाती है पीट पीट कर। जी करीम, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि शहीद एसएचओ की हत्या हुई या वो किसी बड़ी यहाँ पर साजिश का शिकार हुए, और इसके बाद जो परिजनों का हाल है वो देखा ही नहीं जाता। बेटी लगातार गुहार लगा रही है कि किसी तरीके से न्याय दिलवाया जाए, और वहीं इसके साथ ही वो कह रही है जो पुलिसकर्मी उस वक्त वहां मौजूद थे जो उन्हें छोड़कर वहां से भाग गए उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, देखिए इसको जैसे ही जो भगोरे ये पुलिस वाले हैं उन पर आईजी ने कार्रवाई करते हुए 6 पुलिस अधिकारी और एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है, उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई चल रही है। और ये मांग किया जा रहा है सभी लोगों यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग हैं जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उन लोगों की ये मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यहाँ तक कि बंगाल की पुलिस की जो भूमिका है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्यों कर वहाँ जो है पुलिस नहीं पहुंचती है? अगर बंगाल पुलिस समय रहते वहां पहुंच जाती तो एसएचओ की जान बचाई जा सकती थी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बच सकती थी अश्विनी कुमार की जान अगर बंगाल पुलिस समय पर उन्हें अस्पताल पहुंचा देती। और वीडियो आपके सामने जहां गंभीर हालत में जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं और उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी, अगर बंगाल पुलिस चाहती तो एसएचओ की जान बचाई जा सकती थी।
शहीद दारोगा अश्वनी कुमार की हत्या के बाद सदमे से मां की का भी निधन हो गया और पूरे परिवार में शोक की लहर है। वहीं शव यात्रा में सभी आला अधिकारी के साथ राजनेता भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल ने शहीद को सरकार के द्वारा दी गई 10 लाख की राशि पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शहीद दारोगा की हत्या से ज्यादा सरकार कोरोना से हुई मौत के लिए राशि देने की घोषणा करती है, जो अपने आप में पीड़ित परिवार के लिए उचित नहीं है। वहीं आरजेडी के पूर्व विधायक दिलीप यादव ने भी नीतीश की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर निशाना साधा। जो तमाम लोग चुके हमारे सहपाठी को रख चुके तो पहले से ही मृदुभाषी थे, लेकिन जो घटना घटी तो बहुत ही दुखद घटना है। ये सरकार की घोर विफलता है, सरकार का कोई अंकुश नहीं रह गया है कानून व्यवस्था का अपराधियों पर। जो अपराधी खुलेआम पूरे देश की बात आ रही है, सिर्फ बिहार की ही बात ना, बंगाल की बात ना, पूरे देश की स्थिति यही है। सत्ता पक्ष के भी जो नेता है वो भी सवाल उठा रहे हैं अपने ही सरकार पर। बिल्कुल, देखिए सत्य से आप कब तक आंख मिचौली करेंगे, जो सत्य है वो तो सत्य है। चारों जिले में हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन का वेतन सभी पुलिसकर्मी को हम लोग योगदान करेंगे। कितनी होगी लगभग? वो लगभग 50 लाख के आसपास होता है। वो अलग से हम लोग अपने परिवार जो रेंज है पुलिस परिवार उसके माध्यम से। किशनगंज के ऑफिसर इंचार्ज थानेदार अश्वनी कुमार जी की हत्या हुई है, निर्मम हत्या। जिस तरह से बिहार के बॉर्डर पे पंतापारा गांव में पांजीपारा थाना के अंतर्गत 200-300 लोगों की भीड़ पीट पीट कर उसको मार डालती है, और उसके साथ 4 SLR के सिपाही थे, 1 कार्बाइन का सिपाही था, 1 और पुलिस ऑफिसर था, 2 और सिपाही साथ में था, कि हमें लगता है कि 200-300 क्या, अगर 2-3 हज़ार लोग भी 10 हज़ार लोग भी होते तो उसके लिए वो लोग काफ़ी थे। हमने उनके परिजनों से बात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि निश्चित रूप से परिजन के साथ है इस दुखी घड़ी में, और उस दुखी घड़ी में परिजन चाह रहे हैं उनका बिहार में एक याद हो। मोदी जी भी बोले हैं कि नहीं, एक याद तो होना ही चाहिए बिहार में। निश्चित रूप से जो अश्वनी जी के साथ गए इतनी बड़ी दुर्घटना घटित होती है, और इतने अच्छे पदाधिकारी थे, हमने कई बार उनके साथ सफर करने का आने जाने का मौका मिला, मुझसे बहुत अच्छे नज़दीकी थी। तो वहीं SHO अश्वनी कुमार की पीट पीट कर हत्या के मामले में SHO की बड़ी बेटी ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में परिजनों ने मीडिया के सामने कहा कि उनके पिता की हत्या उनके ही साथ रहने वालों ने करवाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि साथ में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को नौकरी से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी इंसान कैसे कहेगा खुद की जान को खतरे में डाल के फैमिली होने के बावजूद तुम लोग जाओ और मुझे छोड़ दो यहाँ पे मरने के लिए। उन लोगों ने उनको छोड़ दिया वहाँ पे अकेले। और दूसरी बात, सिस्टम को ठीक कीजिए ताकि मेरे जैसा और कोई बच्चा उसकी किस्मत ना फूटे। इस एज में सब बाकी बच्चे अपने पापा के साथ यहाँ वहाँ घूमते हैं, ये खरीदो पापा वो खरीदो, और आज मैं यहाँ पे इस टाइप का इंटरव्यू दे रही हूँ, आप लोग समझ रहे हैं? अभी मेरा छोटा सा भाई वो डैडी का भी क्या करेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। कितना खराब लगता है, मेरी माँ पिछले साल मेरे नाना जी का डेथ हुआ, मम्मी इतना रो रहे थे, इतने बूढ़े थे, मेरे डैडी को मार दिया, मेरे पे क्या गुजर रही होगी, आप लोग नहीं समझ रहे। सब भीड़ की वजह से सब कुछ कीजिए सर। डेंगू हुआ था मेरे डैडी को 2018 में, इतना सा खून गिरा था, इतना सा, हम इतने टेंशन में थे, और आज सुबह में ये सब हुआ, अभी तक खून गिरा है, सुबह से अभी तक खून गिरा। आप लोग समझ रहे हैं कितना बड़ा कुछ हुआ उनके साथ। वो जब दादी भी आज मेरी सुबह गुजर गई इसी ट्रॉमा में, डैडी अपने बेटे का बहुत नहीं सह पाई। थोड़ा सा पीछे भेजा, थोड़ा सा समझ, बोले उठा ना, बोले उठा के दो।
केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीएम सब के सब खास वर्ग के लोगों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को बेगूसराय के सदर अस्पताल में टीकाकरण उत्सव की शुरुआत की और टीकाकरण का दूसरा डोज लिया। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से ग्रसित है, ये सिर्फ टीका नहीं है, आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। देखिए, बंगाल में मैंने भी वीडियो देखा है, वो ममता बनर्जी कांग्रेस से लेके सीपीएम और सीपीएम से लेकर के ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति खास वर्ग के लोगों के लिए और जिसकी हिमाकत लोकतंत्र में हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद लोगों को इनकरेज करने का काम किया कि 2 तारीख के बाद हम देख ले रहे हैं, ऐसा कई राजनीतिक टीएमसी के नेताओं ने कहा। लेकिन 2 तारीख के बाद ममता बनर्जी के गुंडे बिल में जाएंगे क्योंकि ममता रूपी शासन वहां खत्म हो चुका होगा। आइए पीएम मोदी के टीकाकरण अभियान को उत्सव के रूप में मनाने का फैसले पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो केवल आपदा को अवसर में तलाशते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के लोग कोविड को लेकर परेशान हैं, बिहार की ही नहीं बल्कि देश की जनता के सामने वो आए और थाली और मोमबत्ती जलाकर चले गए। आपदा में भी अवसर तलाशते रहते हैं। पिछले कोरोना काल में भी उन्होंने उत्सव मनाया था, थाली बजा के, ताली बजा के, घंटी बजा के, फिर कुछ दिनों के बाद लालटेन जला के, मोमबत्ती जला के, दिया जला के, सलाई जला के पूरे देश को कोरोना काल में ढकेल दिया। अब इंजेक्शन को तो उत्सव मना रहे हैं। अरे, संपूर्ण विपक्षी चाहता है कि हर व्यक्ति कोरोना वैक्सीन ले, जिसके लिए हम सब अपील कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी बताएं ना कि दुनिया के 85 और 84 देशों में आपने वैक्सीन तो भिजवा दिया, लेकिन आखिर बिहार सहित संपूर्ण देश में वैक्सीन पर्याप्त क्यों नहीं है? आखिर आपकी मंशा क्या है? आप एक तरफ चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन उत्सव मनाए, अच्छी बात है, आपदा में भी अवसर तलाशते रहते हैं। पिछले कोरोना काल में भी उन्होंने उत्सव मनाया था, थाली बजा के, ताली बजा के, घंटी बजा के, फिर कुछ दिनों के बाद लालटेन जला के, मोमबत्ती जला के, दिया जला के, सलाई जला के पूरे देश को कोरोना काल में ढकेल दिया। अब इंजेक्शन को तो उत्सव मना रहे हैं। अरे, संपूर्ण विपक्षी चाहता है कि तो भारत की प्रतिदिन की कुल क्षमता 50 लाख टीके की थी। आपको बता दें कि पहले वैक्सीन 30 लाख लोगों को नहीं लग पाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री की बैठक के बाद टीका उत्सव मनाने की घोषणा की गई, जिसमें बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे घर घर घूमकर लोगों को टीके के लिए जागरूक करेंगे। प्रतिदिन की कुल क्षमता 50 लाख टीके की, उसके बावजूद भी 30 लाख से ऊपर पहले पार नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री जी ने जब सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उन्होंने यह अनुरोध किया कि हम टीका उत्सव मनाएं, और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि हम स्वयं घर घर घूम करके 45 वर्ष के ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो चल करके और टीका अवश्य लें। भारत की प्रतिदिन की कुल क्षमता 50 लाख टीके की है, उसके बावजूद भी 30 लाख से ऊपर पहले पार नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री जी ने जब सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की
और उन्होंने यह अनुरोध किया कि हम टीका उत्सव मनाएं, और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि हम स्वयं घर घर घूम करके 45 वर्ष के ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो चल करके और टीका अवश्य लें। भारत की प्रतिदिन तो वहीं मधुबनी मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं सरकार और विपक्ष पर निशाना साधा। जो समय पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार के किसी भी घटना पर सरकार सीरियस नहीं है, ऐसा कोई भी संगठन और जो समाज को तोड़ता है उसे बैन कर देना चाहिए, वहीं उन्होंने करनी सेना को बिहार में पूरी तरीके से बैन करने की बात कही। सनलाइट सेना कौन था 15 साल पहले, कितना नरसंहार हुआ? मेरा सवाल है कि 15 साल पहले जब सरकार बनी थी जनता दल की, तो उसमें भाजपा भी थे, उसमें नीतीश जी भी थे, उसमें रामविलास जी भी थे, उसमें लालू जी भी थे। 2 सालों तक सरकार चली, और यदि नरसंहार हुआ तो उसमें लोरिक सेना, कुर्मी सेना, सनलाइट सेना कौन था? मुंह मत खुलवाइए। सबसे ज़्यादा नरसंहार सामाजिक परिवर्तन के लिए हुआ था, और उस वक्त सब लोग थे। 15 साल पहले कितना नरसंहार हुआ? मेरा सवाल है कि 15 साल पहले जब सरकार बनी थी जनता दल की, तो उसमें भाजपा भी थे, उसमें नीतीश जी भी थे, उसमें रामविलास। यूपी के सोनभद्र में शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, और इसी कड़ी में पंचायत चुनाव कराने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अंतिम चौथे चरण में सोनभद्र जिले में 2174 मतदान केंद्रों पर चुनाव होगा। चुनाव को लेकर सभी पीठासीन अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के साथ ही DDO और जिला पंचायत राज अधिकारी विशाल सिंह ने प्रचार और प्रसार किया। हरदोई में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है, और शहर में सिनेमा चौराहे पर सिटी मजिस्ट्रेट, CO सिटी, नगर पालिका EO के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। मास्क ना लगाने वाले लोगों का चालान काटकर उन्हें सख्त हिदायत दी गई। उसको देखते हुए जनता को जागरूक करना तथा मास्क और जो कोरोना COVID-19 का प्रोटोकॉल है उसके प्रति लोगों की जागरूकता तथा गंभीरता को बढ़ाने के लिए आज पुलिस प्रशासन तथा नगर पालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो लोग मास्क नहीं लगा के घूम रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा रहा है, उनको जागरूक भी किया जा रहा है, तथा सभी से अपील की जा रही है अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन। तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर ज़िले में 142 मरीजों की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया, और इसके साथ ही अस्पताल में इलाज करा रहे 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। वहीं लोगों में अब डर है, लोग अभी भी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का लेकिन यहां पर पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में आम लोगों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो 142 लोगों के कोरोना संक्रमित की पुष्टि होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं यूपी के हमीरपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जिले में टिकटॉक से हुई दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी कर ली, ये बात लड़की के परिजनों को नागवार गुजरी और उन्होंने प्रेमी युगल की पिटाई कर डाली और दोनों को अलग अलग कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहुत दिन हो गए मुझे इनके साथ रहते हुए, लेकिन सन में मतलब 7 महीने हो चुके हैं, उनका मेरे पेट में बच्चा भी है, मुझे इन्हीं के साथ रहना है।
क्या विवाह योग्य हैं आप? उम्र आपकी? हाँ है। कितनी उम्र है? 19। क्या इसमें कोई अड़चन आ रही है आपके विवाह में? ये माँ बाप वाले ही रोक रहे हैं। वैसे तो मेरे 64 के बयान हो चुके हैं। अच्छा, दिल्ली में। कौन मना कर रहा है? माँ बाप मना कर रहे हैं। किसके? मेरे। क्या चाहते हैं माँ बाप? माँ बाप बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए तो फिर बेटी को ले जाऊंगा। इन्होंने हमको फोन करके बुलाया था, आप लोग आ जाओ और हम लोग शादी करेंगे, शादी कराने के लिए। फिर ये लोग हमें लेके आए पूरे वास्ते, ये बोल रहे कि यहाँ पे आके शादी करा देंगे अपने गाँव में रीति रिवाज से। आ रहा है उन्होंने करवा दें, करवा दें, करवा दें। अब ये बवाल करवा रहे हैं ये लोग। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 21 साल। 21 साल है? हाँ। क्या शादी करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। झारखंड में कोरोना का दूसरा स्ट्रेन अपना लगातार कहर दिखाने लगा है। लगातार दूसरे दिन भी 17 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं साल का सर्वाधिक 2373 संक्रमित भी एक ही दिन में मिले हैं। इनमें भी सर्वाधिक रांची जिले में 904 मरीज मिले हैं। वहीं नए मिले संक्रमित के बाद राज्य में आंकड़ा बढ़कर 1,37,088 हो गया है। इनमें से 1,23,603 डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 1,192 की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में कुल 12,293 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो वहीं भागलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन स्तर पर सख्ती बढ़ा दी गई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार सभी दुकान और प्रतिष्ठान को शाम 7 बजे तक बंद कर दिया जाना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि इसका अनुपालन करना जरूरी है। और इसी को लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीओ और एसडीपीओ सहित नवगछिया थाना की पुलिस ने बाजार में पैदल फ्लैग मार्च किया। इसमें भी पहचान हो गया है और नेमिंग केस हो रहा है। गाँव का लड़का है जिसकी बात था और पहले भी बर्थ फायर किया था, जिसकी सूचना थाना पर नहीं दी गई। घटना रात घटी है, उन्होंने छापामारी करना प्रारंभ करवा दिया है। एसडीपीओ की नेतृत्व में टीम बनाई गई है, अवलंब गिरफ्तारी हो जाएगी। तो वहीं राजधानी में कोरोना संक्रमित के बढ़ते मामलों और हालातों को देखते हुए रांची उपायुक्त छवि रंजन ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाए गए बेड की संख्या पर नजर रखी और सदर अस्पताल मैनेजमेंट को कई तरह के दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही जांच प्रक्रिया को कैसे बढ़ाया जाए और उस पर भी ध्यान उन्होंने दिया। मौके पर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। नहीं, डिजीज आए थे कि बस जनरल ऐसे जो हॉस्पिटल में आके कि यहाँ कैसी व्यवस्था चल रही है वो देखने आए थे, और इसके अलावा ये भी देखने आए थे कि हम लोग यहाँ पर और कुछ बेड्स बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने उसका जायजा लिया है और हमको लगता है कि कुछ बेड्स यहाँ पर हो सकता है कि और हम लोग बढ़ा पाएँ। अभी एग्जैक्ट उसका अभी टोटल देखिए, हम लोगों के पास 60 ICU बेड्स हैं और 120 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। तो वहीं झारखंड सरकार भले ही राज्य में विकास के लाख दावे कर ले, पर इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आती है। जी हां, दुमका जिला स्थित जरमुंडी ब्लॉक के जरताल गांव में ग्रामीण आज भी जोहड़ का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। सरकार की ओर से कोई सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही है और सरकार की ओर से पहाड़िया जाति के लोगों के लिए कई योजनाएं लाई जा रही हैं, बावजूद इसके इनके पास कोई सुविधा अब तक नहीं पहुंची है। प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दुमका की तस्वीर है जहां जोहड़ का गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं।
कन्नौज में थानेदार का अजीब जागरूकता अभियान देखने को मिला। दरअसल थानेदार लोगों को शराब पीने के लिए सावधान कर रहे थे और इसी को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे थे, पर इस दौरान वो भूल गए कि कोरोना काल चल रहा है। वहीं ठटिया एसओ राजकुमार सिंह ने कोविड नियमों को दरकिनार कर भीड़ को इकट्ठा कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। तो वहीं जौनपुर के मदवल गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं की खेत में भीषण आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से 250 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया।